हेलो एवरीवन हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे हम सॉफ्टवेयर क्या होता है इस इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके बारे में जो भी एमसीक्यू रिलेटेड है वो देखेंगे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है दे आर फिल इन द ब्लैंक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फिल इन द ब्लैंक प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं ऑप्शन है ए वन बी टू सी थ्री डी फोर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक कमांड चेंजेस द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर फिल इन द ब्लैंक कमांड है जो फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर देता है तो कौन सा कमांड है चलिए देखते हैं ऑप्शन है ए मूव बी कॉपी सी फाइल और डी रीनेम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीनेम रीनेम जो है वो किसी भी फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज फिल इन द ब्लैंक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण फिल इन द ब्लैंक है इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑप्शन है ए एम वर्ड बी मोजिला फायरफॉक्स सी कैनवा और डी डिस्क डी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्क डी ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं वॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टास्क मैनेजर जो टास्क मैनेजर है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑप्शन है ए एप्लीकेशंस बी सॉफ्टवेयर सिस्टम सी यूटिलिटी और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी जो टास्क मैनेजर है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम बी यूटिलिटी प्रोग्राम सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं जबकि यूटिलिटी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है वॉट आर द टू मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम दो सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं ए विंडोज और लिनक्स बी विंडोज और गूगल सी डेल और एच पी और डी एम एस ऑफिस और लिनक्स तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विंडोज और लिनक्स क्योंकि विंडोज भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंड ऑप्शन में जो है वो विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन गूगल क्या है एक प्रकार का सर्च इंजन है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा डेल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और एचपी भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये कंप्यूटर या लैपटॉप बनाने की कंपनियां है डी ऑप्शन है जो जिसमें एमएस ऑफिस क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज और लिनक्स अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस इज यूज टू तो क्रिएट अ कॉपी ऑफ डेटा कौन सी प्रोसेस का उपयोग डेटा की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है ऑप्शन है ए बैकअप बी एप्लीकेशन सी सिस्टम और डी वर्ड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैकअप जो बैकअप प्रोसेस होती है वो सिस्टम जो भी आपके सिस्टम में डेटा है उसकी कॉपी बना के एक अदर जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या आपकी हार्ड डिस्क है उसमें डेटा को कॉपी करके रखने की प्रोसेस होती है अगला प्रश्न है एंटीवायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस किसका उदाहरण है ऑप्शन दिए हुए हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो चार ऑप्शन है इसमें ए विंडोज बी मैक ओ और सी लिनक्स डी नन मतलब इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिनक्स लिनक्स जो है वो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अगला प्रश्न देखेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक्सेप्ट जो ऑप्शन uh, दिए हुए हैं निम्नलिखित में उनमें से सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर uh, के एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़कर तो किस को छोड़कर है तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं ए यूटिलिटीज बी ऑपरेटिंग सिस्टम सी ट्रांसलेटर्स और डी वर्ड प्रोसेसर तो देखिए जो यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं डी है वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ड प्रोसेसर अगला प्रश्न देखते हैं टाइप ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेटर प्रोग्राम ट्रांसलेटर का आ, के प्रकार का चयन करना है हमें कि कौन सा जो है वो प्रोग्राम ट्रांसलेटर है ऑप्शन दिए हुए हैं ए कंपाइलर बी प्रोलॉग सी लिस्ट और डी सी प्लस प्लस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर कंपाइलर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है मतलब प्रोग्राम ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्रोसेसर बी इनपुट और आउटपुट सी मेमोरी और डी टोपोलॉजी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोपोलॉजी देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी करता है और मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है लेकिन जो टोपोलॉजी है वो नहीं करता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोपोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई सारे परीक्षाओं में ये भी पूछ, पूछा गया है तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए वर्ड बी टेली सी यूनिक्स और डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो इसमें पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है तो देखिये एमएस वर्ड टेली और डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये तो तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूनिक्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या हो जाता है यूनिक्स तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हाउ टू कम्युनिकेट विथ अ हार्डवेयर इज द ब्लैक एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि हार्डवेयर के साथ कैसे संचार करना है वो कौन सा है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए सिस्टम ड्राइवर बी डिवाइस ड्राइवर सी एम एस वर्ड और डी मैन ऑफ दब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिवाइस ड्राइवर अगला क्वेश्चन है वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ जी यू आई जी यू आई के उदाहरण क्या है जी यू आई जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो इसका क्या एग्जाम्पल है ये देखना है ऑप्शन है ए विंडोज बी आइकन्स सी मैन्यूज और डी ऑल ऑफ दबव तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अगला प्रश्न देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर फिल इन द ब्लैंक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो अन्य फिल इन द ब्लैंक के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ए हार्डवेयर बी सॉफ्टवेयर सी यूजर और डी एप्लीकेशन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर अगला प्रश्न है वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम बी एप्लीकेशन सी हार्डवेयर और डी प्रोग्राम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का सबसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अगला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज आर द ब्लैंक जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसके उदाहरण क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं ए कंपाइलर बी इंटरप्रेटर सी असेंबलर और डी ऑल मतलब सभी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी क्योंकि देखिए जो कंपाइलर होता है कंपाइलर भी क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ठीक है इंटरप्रिटर का भी काम यही होता है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है ये अंतर क्या है जो इंटरप्रिटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में लेकिन कंपाइलर क्या करता है पूरे लाइन को होल प्रोग्राम जो भी आपने लिखा है चाहे वो दस लाइन का है बीस लाइन का है चालीस लाइन का है वो सारी लाइन को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जबकि इंटरप्रिटर क्या करता है जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन कंप्लीट की वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में फिर सेकंड लाइन अगर आपने कंप्लीट की तो सेकंड लाइन को भी वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा तो इस प्रकार से लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है और जो असेंबलर होता है तो असेंबलर का काम होता है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जाम्पल है तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल मतलब सभी अगला प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स पेरिफेरल्स मेमोरी और बाहरी उपकरण जो होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है पावर पॉइंट बी है एम एस वर्ड सी एम ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है टेली तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या काम है वो कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर के प्रोसेसर कंप्यूटर में जितने भी पेरिफेरल कनेक्ट हैं इन सारे को मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला प्रश्न देखेंगे लिनक्स इज इन द ब्लैंक लिनक्स क्या है ऑप्शन है एक ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी प्रोग्राम और डी एंटीवायरस तो सभी को पता है लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन का उदाहरण है ऑप्शन दिए हुए हैं ए गूगल डॉट कॉम बी बिंग सी याहू और डी क्रोम तो देखिए ये गूगल डॉट कॉम बेंग और याहू ये तो आ, सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं इसको हम ब्राउजर में ही ओपन कर सकते हैं जबकि क्रोम क्या है एक प्रकार का वेब ब्राउजर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है इंस्टॉल किया जाता है और उसी का यूज करके हम बाकी के सर्च इंजन पे जा सकते हैं और कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोम अगला प्रश्न है मैक ओ एस इज मैक ओ एस जो है वो क्या है ऑप्शन ऑप्शन दिए हुए हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी और डी इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो मैक ओ एस है वो भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर अगला प्रश्न है एमएस वर्ड इज फिल इन द ब्लैंक एमएस वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी और डी में से कोई नहीं तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एम एस पावर पॉइंट स्प्रेडशीट ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न देखेंगे मीडिया प्लेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन द ब्लैंक जो मीडिया प्लेयर है वो किस चीज का एक उदाहरण है ऑप्शन है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी नैन मतलब कोई नहीं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मीडिया प्लेयर है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्योंकि यूजर इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकता है या डिलीट कर सकता है अनइंस्टॉल कर सकता है अगला प्रश्न देखते हैं फॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन है ए एमएसवर्ड बी टेली सी यूनिक्स और डी नन तो देखिये एमएसवर्ड भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और टेली भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स क्योंकि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स अगला प्रश्न देखेंगे फायरफॉक्स सफारी एंड क्रोम आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैंक जो फायरफॉक्स होता है सफारी है और क्रोम है तो ये किसके उदाहरण है आ, तो ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बी वेब ब्राउजर सी एंटीवायरस और डी हार्डवेयर तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर क्योंकि देखिए फायरफॉक्स भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है सफारी भी वेब ब्राउजर है और क्रोम भी वेब ब्राउजर है अगला प्रश्न देखेंगे ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक ट्विटर किस चीज का एक उदाहरण है ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बी सोशल नेटवर्किंग साइट सी बैंकिंग साइट और डी इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग साइट सोशल नेटवर्किंग साइट होती है ट्विटर एक प्रकार की जिसमें जाके लोग लोग बहुत सारे जुड़े होते हैं और अपने विचार उसमें शेयर करते रहते हैं अगला प्रश्न देखेंगे विथ सॉफ्टवेयर अलाउस यू टू व्यू वेब पेजेस ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम वेब पेजेस को देख सकते हैं या वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पेजेस को देखने की अनुमति प्रदान करता है ऑप्शन है ए वेब ब्राउजर बी ऑपरेटिंग सिस्टम सी टैली और डी एम एस ऑफिस तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर का उपयोग करके यूज करके हम क्या कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है ऑप्शन देख लेते हैं ए विंडोज बी डॉस सी गूगल और डी लिनक्स तो पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है तो देखिए विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अगला प्रश्न है अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को विशिष्ट कार्य करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी ऑल ऑफ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है जैसे अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो आप क्या करेंगे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आपको डेटा बेस से रिलेटेड काम करना है तो आप उसमें जो भी एस है वो आप इंस्टॉल करेंगे आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आप जावा पाइथन इनको इंस्टॉल करेंगे अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है तो आप मीडिया प्लेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करेंगे तो मतलब पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं अगला प्रश्न देखेंगे एम एस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच पैकेज जो एमएस वर्ड है वो किस पैकेज का भाग है ऑप्शन हैं ए एम एस टॉस बी एम एस पी पी टी सी लिनक्स और डी एम एस ऑफिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस एक प्रकार का पैकेज होता है जिसके अंतर्गत एम एस वर्ड एम एस एक्सल एम एस पावर पॉइंट और भी जो पेज मेकर है ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं अगला प्रश्न है यूट्यूब इज फिलिंग द ब्लैंक मतलब यूट्यूब क्या है ऑप्शन हैं ए सर्च इंजन बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सी वेबसाइट और डी प्रोग्रामिंग पैकेज तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगला प्रश्न देखेंगे मल्टीमीडिया इज अ फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्लेटफॉर्म जो मल्टीमीडिया है वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म का उदाहरण है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तो चार ऑप्शन है ए प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी ऑपरेटिंग सिस्टम सी एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी कम्युनिकेशन सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है मल्टीमीडिया मतलब किस मिलके बना है मल्टी मल्टी प्लस मीडिया मतलब कि मल्टी और मीडिया मीडिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं इमेज आते हैं टेक्स्ट आते हैं ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें जो होती है वो मीडिया के अंतर्गत आती है कई सारी मीडिया का कलेक्शन क्या कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है तो मल्टीमीडिया मतलब आपको अगर कम्युनिकेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं या तो टेक्स्ट का टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं वॉइस मैसेज भेज सकते हैं वीडियो मैसेज भेज सकते हैं या कोई भी इमेज भेज सकते हैं तो कम्युनिकेशन का एक साधन होता है मल्टीमीडिया अगला प्रश्न देखेंगे बायोस इज यूज बाय इन द ब्लैंक जो बायोस होता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है बायोज का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो ये किसके द्वारा यूज किया जाता है ये हमें बताना है ऑप्शन दिए हुए हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम बी कंपाइलर सी इंटरप्रिटर और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बायोस का यूज किया जाता है अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है जो पंक्तियों और जो रोज और कॉलम से संबंधित संख्याओं की गणना करता है तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं ए एम एस ए विंडोज प्रोग्राम बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम सी ग्राफिक्स प्रोग्राम और डी वर्ड प्रोग्राम तो सही आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्प्रेडशीट क्या होती है जो एक्सेल की फाइल आप ओपन करते हैं एम एस एक्सेल जो होता है ना जिसमें कई सारे क्या दिए होते हैं रोज दिए होते हैं और कई सारे कॉलम्स दिए होते हैं तो रोज और कॉलम्स में ही हम नंबर्स को फिल करके उनकी गणना मतलब उनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है एमएस एक्सेल साथ ही एक कैल्क होता है ओपन ऑफिस कैल्क ये भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही है तो जहाँ पे रोज और कॉलम्स आपको दिखाई दे रही हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाएगा चलिए अगला प्रश्न है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली यूज ऑन एप्पल कम्प्यूटर्स जो एप्पल कम्प्यूटर्स होते हैं उस उसमें किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है ऑप्शन हैं ए विंडोज बी एंड्रॉयड सी लिनक्स और डी मैक ओ तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक ओ जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उसमें मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है अगला प्रश्न है Ubuntu, Fedora फेडोरा एंड डेबियन आर द of ऑफ ऑपरेटिंग based बेस्ड ऑन in द blank. जो Ubuntu, फेडोरा और डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके उदाहरण है Options दिए हुए हैं ए विंडोज बी OS, सी लिनक्स और डी यूनिक्स तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिनक्स ये जो Ubuntu, फेडोरा और डेबियन होते हैं ये लिनक्स के अंतर्गत ही आते हैं और ये भी एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल विच हेल्प अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वह उपकरण जो हमें इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन है ए सर्च पोर्ट बी सर्च इंजन सी सर्च स्टेशन और डी सर्च पार्टी तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन जो सर्च इंजन होते हैं जो आ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं पहले हम आ, अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में जाके सर्च इंजन सर्च करेंगे याहू बिंग या गूगल तो उस पे जाके हम कोई भी जानकारी एंटर करके उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो देख सकते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोविंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए किया जाता है तो देखिए इसमें तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पहली बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं ए एम एस डॉस तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बी यूनिक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सी विंडोज तो यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डी है ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपयुक्त सभी तो देखिए तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी All of the above, मतलब कि उपयोग सभी अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लेवल लैंग्वेज तो आ, ऐसा कौन क्या है निम्नलिखित में से जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि किस चीज को आ, कौन हाई लेवल को कन्वर्ट करता है और कौन असेंबली को कन्वर्ट करता है तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए असेंबलर बी कंपाइलर सी है बोथ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों और डी है नैन मतलब इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है कन्वर्ट जबकि असेंबलर क्या करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया मीन्स मल्टीमीडिया का क्या अर्थ है तो ऑप्शन है ए पिक्चर बी साउंड सी एनिमेशन और डी ऑल ऑफ दी एवो मतलब उपरोक्त सभी तो कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि मल्टीप्लस मीडिया मतलब कई सारे मीडिया का कलेक्शन मल्टी मीडिया कहलाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ क्योंकि देखिए पिक्चर भी मल्टी मीडिया के पिक्चर भी एक मीडिया है साउंड भी एक मीडिया है और एनिमेशन भी एक मीडिया है तो कई सारे मीडिया का कलेक्शन क्या कहलाएगा मल्टीमीडिया तो ये सारे मीडिया को मिला के क्या कहला जाएगा मल्टीमीडिया कहलाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऑप्शन दिए हुए हैं एवंटू बी फ्री बी एस सी ओपन सोलेरिस और डी मैकिन टोश तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैक ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जबकि ओबन फ्री बीएसडी बी और सोलरिस हैं ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है ऑप्शन है ए कीबोर्ड बी इंटरनेट एक्सप्लोरर सी स्कैनर और डी माउस तो देखिए कीबोर्ड स्कैनर और माउस ये तो हार्डवेयर होते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है बल्कि जबकि की, कीबोर्ड स्कैनर और माउस किसके अंतर्गत आते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है फिलिंदा ब्लैंक इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट निम्नलिखित में से क्या है जो बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट को रखते हैं शामिल करके रखते हैं ऑप्शन है ए सी डी रोम बी इंटरनल बसेस सी बायोस और डी चिपसेट। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बायोस बायोस का फुल फॉर्म मैंने बताया था पहले भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और ये बायोस का यूज किसके द्वारा किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्न है टेगरी डज बेस्ट डिस्क्राइब द बायोस वह कौन सी श्रेणी है जो बायोस का सबसे अच्छा वर्णन करती है ऑप्शन है ए हार्डवेयर बी मेलवेयर सी फर्मवेयर और डी सॉफ्टवेयर तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइट इन मेन मेमोरी ऑलवेज निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुख्य मेमोरी में मेन मेमोरी में हमेशा रहता है ऑप्शन बी असेंबलर सी लिंकर और डी लोडर तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी लोडर है जो हमेशा मेन मेमोरी में होता है जो डेटा को लोड करने के लिए यूज होता है अगला क्वेश्चन है कोरल कोरल वेंचुरा इलस्ट्रेटर और आर एग्जाम्पल ऑफ जो कोरल वेंचुर इलस्ट्रेटर है वो किसके एग्जाम्पल हैं ऑप्शन हैं ए वर्ड प्रोसेसर बी ग्राफिक सी मल्टीमीडिया और डी डी टी पी सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी डी टी पी डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में के लिए आप ये सारे जो दिए हुए हैं कोरल वेंचुरओ इलस्ट्रेटर इसका यूज कर सकते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं ऑप्शन है ए मेमोरी मैनेजमेंट बी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन मतलब फाइल सिस्टम में हेरफेर करना सी रिसोर्स एलोकेशन मतलब संसाधन का आवंटन करना और डी ऑल ऑफ दबाउ मतलब उपरोक्त सभी तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दब ये चारों ये जो तीनों ऑप्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है किस प्रकार का है ऑप्शन देख लेते हैं ए मल्टी और मल्टी यूजर बी मल्टी यूजर और सिंगल टास्किंग सी सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग और डी सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही बंदा एक ही इंसान बैठ सकता है काम करने के लिए और मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में आप कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि कोई चीज आप कॉपी कर रहे हैं डेटा तो वो भी एक काम है वो भी परफॉर्म हो सकता है म्यूजिक भी सुन सकते हैं आप गेम भी सुन सकते हैं कोई चीज आपको न, डाउनलोड करना है या कुछ रीड करना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं तो कई सारे टास्क आप एक साथ परफॉर्म करवा सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का रिस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन जब कंप्यूटर पहले से ही चालू होता है तो उसे रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है किस प्रकार की ए, क्या कहला किसके अंतर्गत आता है ऑप्शन है ए कोल्ड बूटिंग बी वार्म बूटिंग सी शट डाउन और डी लॉगिंग ऑफ तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग बूटिंग एक प्रोसेस है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो देखते आप देखते होंगे कि कुछ देर लोडिंग चलती है तो वो जो लोडिंग चलती है उस प्रोसेस को बूटिंग कह, कहते हैं दो प्रकार की बूटिंग होती है एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग तो जब आप पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं शटडाउन करने के बाद तो वो कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत आती है और जब पहले से चालू कंप्यूटर को आप दोबारा ऑन करते हैं मतलब रीस्टार्ट करते हैं तो वो बूटिंग के अंतर्गत आती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग तो ये तो वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए